हाँ ऑक्सीजन पार्क का क्या गणित है और वो लेकर के आपने क्या प्लान रखा है? एक्चुअली ऑक्सीजन पार्क हिंदुस्तान के बाहर जाएंगे आप तो थीम पार्क के नाम से कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं वर्तमान में और पब्लिक काम कर करके थक चुकी है। आप अगर हिंदुस्तान के बाहर की बात करें तो पहले संडे छुट्टी रखी थी, अब शनिवार रविवार दो रोज छुट्टी कर दी। हाँ, 5 डे वर्किंग हो गई। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हम पैदा हुए केवल काम करने के लिए। हाँ। अभी हिंदुस्तान में ऐसा चल रहा है कि हम पैदा हुए केवल काम करने के लिए। सही। ठीक है, ऑक्सीजन पार्क एक ऐसी सोच है कि खुद को समय देना खुद के लिए एक चीज। ऑक्सीजन मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पर हर वो चीज़ रहेगी जो आपके प्राण से रिलेटेड है। वायु का संचार ठीक होगा, आपकी बॉडी को शुद्धिकरण करने के लिए वहाँ पर सारी चीज़ें रहेगी। ऑक्सीजन मतलब जीवन ही हो गया एक तरीके से। तो हम खाना 15 दिन नहीं खाएंगे तो चलेगा, 15 मिनट सांस नहीं लेंगे तो दिक्कत है। ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। काफ़ी समय से ये माइंड में था लेकिन हम उसको नाम दे रहे थे एग्रो टूरिज्म। लेकिन जब कोरोना आया और ऑक्सीजन की इतनी मारामारी हुई तो फिर हमने नाम उसका चेंज किया ऑक्सीजन पार्क। ऑलरेडी 3 साल पहले से हमने बोरलाई में 100 एकड़ का एक बना दिया है जिसमें कुछ नीम के पेड़ हैं, कुछ अमरूद के हैं, कुछ अलग अलग कुछ बैम्बू का क्लस्टर है 100 एकड़ में। 3 साल पहले किया था, अभी 14 साल चालू हुआ। वही प्रोजेक्ट हमने गुजरात गवर्नमेंट को दिया और वही प्रोजेक्ट हम पेन इंडिया लॉन्च कर रहे हैं कि जैसे आज आपने यहाँ पर विजिट करने के लिए बुलाया। ऐसा जो भी व्यक्ति इच्छुक हो, कम से कम 9 एकड़ ज़मीन चाहिए तो एक थोड़ा सा मॉडल बनता है। 9 एकड़ के ऊपर कितनी भी ज़मीन, 30 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, 500 एकड़, गुजरात में हम 1000 एकड़ में प्लान कर रहे हैं भुज में। बैम्बू उसमें मेन रोल अदा करता है क्योंकि बरगद पीपल के बाद बैम्बू ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। दूसरा, बैम्बू सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी को भी टच करता है। जैसे अभी 5 मिनट पहले बात हुई, काका से भी बात हुई, अपन चर्चा ही कर रहे थे कि किसान खेती कर रहा है लेकिन एक सीज़न की फसल तो खर्चे में गई और दूसरे सीज़न की फसल अगर कुछ बारिश आगे पीछे हुई, वायरस आ गया या पड़ोस में किसी ने 2,4-D डाली वो हवा से उड़कर हमारे खेत में आ गई तो वो भी काम गड़बड़ है। और अभी पिछले 5-7 सालों से ये अक्सर हो रहा है। हो ही रहा है, यही हो रहा है। 2021 में अभी 16 अगस्त 17 अगस्त हो गया, अभी 15 अगस्त तक बारिश नहीं है मध्य प्रदेश में, तो बारिश आएगी कब ये भी बड़ा क्वेश्चन है। आएगी भी कि नहीं आएगी, मतलब ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल बाद बच्चों को वीडियो दिखाना पड़ेगा। बारिश ऐसे होती थी, झड़ी लगती थी, हम फिर भजिया बनाते थे, ये सारी चीजें मतलब सोच में आ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज पर काम करना है, एक ही शब्द निकल के आएगा, ऑक्सीजन पार्क। आपने अभी 15 अगस्त पर मोदी जी का लाल किले से भाषण सुना हो? हाँ, पूरा नहीं सुना, कुछ कुछ सुना। मैंने उसकी 2 बाइटें डाली। अच्छा। अब उसी को सुन लो। अच्छा। एक में उन्होंने जिक्र किया है टूरिज्म प्लेस ट्रैकिंग, ऑक्सीजन पार्क ही उसमें रिलेटेड है। नाम कुछ भी दे सकते हैं, कुल मिला करके पेड़ नहीं कटे ऐसी फसलें होना चाहिए ताकि वो एनवायरनमेंट को शुद्धिकरण, एनवायरनमेंट को शुद्धिकरण यही करेंगे, पत्ते रहेंगे तो ही होगा, कार्बन को सक करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना। अगली एनर्जी जो है हिंदुस्तान की वो मोदी जी ने क्लियर कट बताया है, इथेनॉल और CNG हिंदुस्तान की नेक्स्ट एनर्जी वही है। एक मैंने वीडियो डाला था, अभी मैं दिल्ली में था तो दिल्ली और NCR डीजल का एक भी बड़ा ट्रक, पिकअप, छोटा लोडिंग 1 टन वाला भी नहीं मिलेगा पूरे दिल्ली और NCR में, सभी CNG। पब्लिक से बात करें ना CNG तो बोलते केवल पेट्रोल गाड़ी में होगा, वहाँ अलाव बंद कर दिया तो अब डीजल गाड़ी में भी लग रहा है, अंदर एंट्री नहीं है ना अभी आपकी, डीजल गाड़ी चाहिए नहीं, ओल्ड इवन तो दूसरी बात है, डीजल गाड़ी नहीं होना। बड़े बड़े ट्रक जो डंपर रेत खींचते हैं 50-55 टन के जो डंपर है, मैंने एक वीडियो पूरा डाला है,
एक भी गाड़ी बिना सीएनजी के नहीं। तो ये एक देश का ट्रायल है, एक राज्य उसका दिल्ली का केवल ट्रायल था, एक शहर का, अब ये ऑल ओवर इंडिया करने वाले हैं। लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है या मन में एक सवाल है कि जिस तरीके से अभी ईवी को प्रमोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को, तो हेवी व्हीकल में भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहा है, तो फिर उस टाइम पर सीएनजी और बायोडीजल की डिमांड तो कम हो जाएगी। और कोई भी इस तरीके के प्लांट लगते हैं, जैसे आज बेम्बू पे 1000 acres भी हमने प्लान किया और सीएनजी प्लांट भी लगाया, तो कोई 2-5 साल के लिए तो लगाया नहीं, वो 25-50 साल 100 साल के लिए लगाया है ना। तो आज से 25 साल बाद या 30 साल बाद अगर हम देखें तो ईवी इतना ज्यादा हो जाएगा कि उस टाइम इनकी डिमांड कम होगी, तो फिर उस टाइम क्या होगा? एक्चुअली भारत जो है ना, कम से कम वो 20 देशों के बराबर एक ही चीज। अगर आप देखो मध्य प्रदेश तो कोई 1-2 देश होंगे उसके बराबर मध्य प्रदेश छोटा है मध्य प्रदेश। यूपी को अगर देखोगे तो वो साइज में भी बड़ा है और जनसंख्या में भी बड़ा है, ठीक है। तो हमारा क्षेत्रफल, जनसंख्या और एनर्जी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मैं बात करूँ तो छोटी बड़ी स्मॉल इंडस्ट्री या मिडिल इंडस्ट्री जो है, मैंने जो देखा है, मोरबी एशिया का सबसे बड़ा सिरामिक हब है, ठीक है। वहाँ पर कोयला यूज़ होता था, उसके बाद लिक्विड आयल और डीजल चालू हुआ और अब पूरा सीएनजी पे कन्वर्ट हो गया पूरा मोरबी। और जो सीएनजी नहीं ले रहा है उन पर पेनल्टी और चालान है, जो सीएनजी ले रहा है उनको कार्बन क्रेडिट के जरिए सस्ता गिर रहा है। हाँ, वो मोटिवेट भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं। ई विकल्प आ रहे हैं, ये बात में गलती नहीं है। 2030 की डेडलाइन दे रखी है कि डीजल गाड़ियाँ बनना ही बंद हो जाएगी, वो पेपर पे ले लिया है। तो इथेनॉल मैक्सिमम मिलेगा पेट्रोल में, डीजल में कम मिलता है, वो पेट्रोल में ज़्यादा उसका कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। और बहुत सारे जनरेटरों की हमको आवश्यकता है कई सारी इंडस्ट्रियों में। गाड़ी ही चलती है, इंजन घूमता है तो केवल गाड़ी में दिखता है, जितनी गाड़ियाँ चल रही इससे ज़्यादा जनरेटर हर इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। मेरी में अगर रेवा की बात करूँ तो 2 जनरेटर है, 150 kW का है कनेक्शन, वहाँ पर 100 kV का जनरेटर रखा है, 200 kW का है वहाँ पर 150 kV का जनरेटर रखा है। कुछ चीज़ें हम जनरेटर से कम चलाते हैं। तो एक छोटी सी इंडस्ट्री है मेरे पास, टिशू कल्चर ले, वहाँ 2 जनरेटर है। लेकिन अगर आप सोलर पे प्लस शिफ्ट हो जाओगे तो फिर ना तो आपको जनरेटर की जरूरत लगेगी। वो बातें सभी सही हैं, लेकिन इतने बड़े साइजेबल प्रोग्राम में सब चीज़ें धीरे धीरे होती है। ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइन 2050-60 के बाद में चलेगी। और मोदी जी ने इसका टास्क भी रखा है 25 साल का, 100% भारत को कार्बन फ्री करना है। तो 25 साल का उन्होंने ये कल की स्पीच, 15 अगस्त की स्पीच में बोला है। तो 25 साल बहुत बड़ा समय है, हमारी एक इनिंग हो गई, ठीक है। अभी मैं वापस आता हूँ आपके लाइन को, ऑक्सीजन पार्क पे लेकर। तो वहाँ बाम्बू को हमने फ्रंट पे रखा है ताकि आप फसल चक्र से बचो, कम पानी है तो भी दिक्कत नहीं, ज़्यादा पानी है तो बहुत अच्छा उत्पादन आएगा। कल्टीवेशन, खाद, रिपीट बीज की आवश्यकता, दवाई की आवश्यकता खत्म। जीवन में एक ही बार प्लांटेशन करना है, साल में नहीं, जीवन में एक ही बार प्लांटेशन करना है, जीवन 2 पीढ़ी तक खा सकते। हाँ, वो चलता रहेगा। अब ये हुआ फार्मिंग का रिलेशन कि आपको 50 एकड़ में कोई सी खेती करना है तो आप चाहो तो हम हर तहसील में एक ऑक्सीजन पार्क बना रहे हैं, तो उसमें 50 एकड़ का बाम्बू कर सकते हो। एटलीस्ट 50 की बजाय थोड़ा सा कम होगा क्योंकि रोड और वो कुछ कुटिया वगैरह बनेगी, तो 70-80% आपका बैम्बू आ गया। अब वो बैम्बू 3 साल में निकलना चालू होगा तो हर साल निकलेगा, तो वहाँ से आपको जो उचित लग रहा है वो उस इंडस्ट्री पे जा सकते हो। जरूरी नहीं कि सीएनजी, जरूरी नहीं है कि इथेनॉल, आप प्लाईवुड पे चले जाओ, पैलेट्स है, पार्टिकल बोर्ड है, प्लाईवुड है, 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट है। मेरे पास कई सारे शर्ट ऐसे हैं जो बैम्बू के हैं, मैं आज पहन के नहीं आया हूँ, दिखा था आपको। तो बहुत बड़ा स्कोप है, आप व्यवस्थित कोई सी बड़ी होटल में जा रहे हैं 3 स्टार के ऊपर, टिश्यू पेपर वो बैम्बू के यूज़ करते हैं, ये चीज़ें आपने प्रैक्टिकली देखी होगी। तो बैम्बू के पल्प का बहुत ज़्यादा स्काई द लिमिट स्कोप है। अभी जितनी सीमेंट इंडस्ट्री है और एनटीपीसी है वहाँ पर पैलेट्स की योजना चालू कर दी है, उनको कम
कंपलसरी कर दिया है कि 5% 2% आपको कोयला कम करके पैलेट्स यूज कर व्हाइट कोल को यूज करना ही है, और इस परसेंटेज को आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाना ईयर दर ईयर बढ़ा, वो जैसे उनको सस्टेनेबल होना चालू होगा उनका जो भी रेट बढ़ेगा या कम होगा वो इधर बाहर पड़ेगा तो धीरे धीरे साइकिल बन जाएगी। व्हाइट कोल पे आना पड़ेगा सब, व्हाइट कोल इन द सेंस की जो बायोमास अभी के सत्र में उपज हो रही है उसी को पैलेट्स बना करके जलाना, तो उसका धुआं ये पेड़ पौधे सक करेंगे। जो हजारों साल से खदाने हैं जिनमें पुराना कोयला दबा पड़ा है उसको जला रहे हैं तो उसके एमिशन को ये सक नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कंपेयर करें हम इसको इस तरीके से तो जो उसकी ज्वलनशीलता ज्यादा होती है जो फर्क आता है थोड़ा सा, जो खदान का कोयला होता है फर्क आता है। ये बेम्बू का होता है 3700 कैलोरी के ऊपर नीचे और वो 4000 प्लस जाता है। अच्छा। तो इनको 3500 के ऊपर वाली कोई सी भी चीज चलेगी। ओके। बेम्बू का 3700 3500 के ऊपर कोई भी आइटम अच्छा। फायर में इनको चलेगा। फिर ये क्या करेंगे रेट कंपेयर करते हैं कि हमको 3700 कैलोरी का पैलेट्स मिल गया, अब ये क्या रेट में मिल रहा है और ये क्या रेट में मिल रहा है, तो दोनों का सामंजस्य बनेगा। इसलिए सरकार धीरे धीरे सिकंजा कस रही है कि आप उसका रेट आपके प्रोडक्ट पर बढ़ाते जाओ लेकिन वायुमंडल को तो पोल्यूशन फ्री करो। ये फिक्स कर दिया है, जैसे डीजल का रेट अभी बढ़ा दिया है, अब आप में क्षमता हो तो डीजल डलाओ वरना बैटरी की गाड़ी और पेट्रोल की गाड़ी में चलो। हाँ, वो तो डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ाने के पीछे मेन लॉजिक यही है। वो हमें दिख रहा है कि सरकारें ज्यादा पैसा ले रही है लेकिन डीजल पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ता तो आपको अभी हर 100-200 गाड़ी में एक गाड़ी ईवी दिखना चालू हो गई, इंदौर में दिखने लग गई है, दिखने लग गई है, ढेरों गाड़ियां बिकने लग गई, ये डीजल पेट्रोल के कारण है। और सीएनजी बड़ी बड़ी कंपनियों ने डीजल गाड़ियां बंद कर दी, मारुति ने आज बनाना बंद कर दिया, मारुति ने बंद कर दिया, ऑडी ने बंद कर दिया, स्कोडा बंद हो गया, फॉक्सवैगन बंद हो गया, आपका जेगवार का भी कुछ एडिशन बंद हो गया, जो बड़े इंजन है 3000 सीसी उनको सबको बंद कर दिया। जीप का जो रेंगलर लॉन्च हुआ है वो पूरा पेट्रोल लॉन्च हुआ है, डीजल बंद कर दिया, तो आगे सब पर सिकंजा कस दिया है कि भैया आप पोल्यूशन वाली चीजें नहीं लाओगे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, महंगा गिर रहा है तो आप एडजस्ट करो, आप बैटरी पे आओ या सीएनजी पे आओ। तो सीएनजी इतनी जल्दी जाएगा नहीं क्योंकि विकल्प बैटरी में क्या होगा, जैसे मैं मेरा उदाहरण देता हूँ आपको कि मैं गाड़ी देखने गया तो एक गाड़ी वहाँ बैटरी की है और एक गाड़ी डीजल की, एक गाड़ी सीएनजी की। बैटरी की गाड़ी का रेट आज ज्यादा है, आगे भविष्य में फ्लो बढ़ेगा तो रेट इक्वल आएगा या कम भी होगा, कम आएगा, लेकिन उसकी ट्रेवलिंग टूरिंग कितने किलोमीटर है। अब मेरा जैसा जो व्यक्ति है एक महीने में 10,000 किलोमीटर चल जाता है तो बैटरी को चार्ज किस समय करेंगे, कहां पर करेंगे, ऐसे कुछ कुछ लोगों में एरर रहेगा, वो सीएनजी पर ही रहेंगे हमेशा, डीजल तो बैन होना है लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति सीएनजी पर रहेंगे और जो लोकल में ट्रांसपोर्ट करना है वो बैटरी का रहेगा, लंबी दूर वाला सीएनजी पे रहेगा। और सीएनजी को गवर्नमेंट ने और अपडेट कर दिया है, पीएनजी कर दिया है, एलएनजी सॉरी लिक्विड पेट्रोलियम गैस कर दिया है, क्योंकि सीएनजी का ट्रेवल नहीं कर सकते ज्यादा दूर, वाइबल नहीं है। आपने सीएनजी यूनिट यहाँ पे डाला है तो 30-50 किलोमीटर के पंप तक तो आप सप्लाई दे दोगे, ज्यादा दूर सप्लाई देने जाओगे तो आपको महंगा गिरेगा। और उसको लिक्विड कर दिया, एक बार फ्रीज कर दिया जमा करके, एलएनजी कर दिया, तो आप फिर 200 किलोमीटर तक भी ले जाओगे उसको, 500 तक भी। अच्छा। तो आपको सर्वाइव करेगा, मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा। तो कई सारे नए संशोधन आ रहे हैं। वापस आता हूँ ऑक्सीजन पार्क पे, तो एक पॉकेट लगा आपका बैम्बू, उसके बाय प्रोडक्ट आप जो चाहो बना सकते हो, 2000 से ज्यादा लाइन है, उसके साथ पैरेलल हम चीजें कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटलिटी में आपका सर्जरी और इमरजेंसी दो चीजों को छोड़ दो, बाकी सारा वहां मिलेगा। वो एलोपैथी पे जाना पड़ेगा, वो एलोपैथी पे जाना पड़ेगा, सेविंग ड्रग्स सारी एलोपैथी में जाना पड़ेगा, प्लस सर्जरी इमरजेंसी और सर्जरी का, ये दोनों एलोपैथी। बाकी जैसे रामदेव बाबा बोलते हैं 98% में ठीक कर दोगे, वो कुछ है तभी बोल रहे हैं ना। तो ऑक्सीजन पार्क में आयुर्वेदा सेंटर रहेगा, नेचुरोथेरेपी सेंटर है, हीलिंग है, आपका बाथ अलग अलग टाइप के हैं, मड आसन बात हो गया, मड बात बहुत सारे हैं, तो सारी ऐसी चीजें रहेगी, जैसे योगा है,
और साथ साथ हमने बच्चों को कनेक्ट किया है, एजुकेशन को कनेक्ट किया है, तो उसमें गुरुकुलम के ट्यूशंस ला रहे हैं। okay. आपकी लैंड का साइज कितना बड़ा है उस हिसाब से वहां पर एक्टिविटियां होंगी, उस हिसाब से एक्टिविटी होगी। मिनिमम हम प्लान कर रहे हैं 9 एकड़ का, मैक्सिमम फिर अनलिमिटेड जितना आपका लैंड का साइज हो। और पेन इंडिया जाएंगे तो इसका विज्ञापन हम ऑलरेडी ऑल इंडिया में और इंडिया के बाहर भी करने वाले हैं। जस्ट लाइक आप हमसे कनेक्ट हो करके करो तो भी स्वागत है, आप खुद सेल्प करो तो आपको हमसे क्या सुविधाएं चाहिए वो हम अवेलेबल करा दें। हमारे ग्रुप का मेन मोटो जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना और पृथ्वी का टेम्परेचर कम कैसे करना, ये हिडन पार्ट में हमारे ग्रुप का मेन मोटो है। उसको किस तरीके से करें तो उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन पार्क से। पक्षी संरक्षण होना है, एक इकोसिस्टम बनना है वहाँ पर। जैसे हम किसी हॉस्पिटल में गए, सीमेंट के हॉस्पिटल में गए हीलिंग लेने के लिए, तो वो हीलिंग कितने परसेंट कारगर है? नेचुरल जंगल में जो हीलिंग मिलेगी, वहाँ का मिट्टी का टेक्सचर, वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ का वायु, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं अभी 5-7 किलोमीटर पे कोई गाड़ी की आवाज नहीं है, है? तो हवा यहाँ की अलग है, ब्रीदिंग में हमको अलग समझ में आ रहा है। हम जस्ट लाइक जंगल में ही आकर बैठे ना फार्म हाउस में, तो यहाँ पर अगर आपका हीलिंग हुआ, नेचुरोथेरेपी हुआ, तो उसका रिजल्ट कैसे मिलना है? और आप सीमेंट के हॉस्पिटल में गए, वहां पर भी हीलिंग हो रहा है, आज बहुत सारे हॉस्पिटल में हीलिंग होता है, है? तो वहां का रिजल्ट कब मिलेगा और कैसा मिलेगा वो पता नहीं। वो जो हीलिंग होता है वो आर्टिफिशियल चीजों से होता है, आर्टिफिशियल मैनमेड चीजों से होता है। चेयर बना दी है, हाँ। उसमें कुछ मसाजे हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सारा आर्टिफिशियल है। तो नेचर के साथ कनेक्ट होना और वाकई में अपने जीवन को समझना, तो वो एक ऑक्सीजन पार्क की पूरी थीम में हम लेकर के आ रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है, कनेक्शन भी हो रहे हैं, काफी सारे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर व्यक्ति जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं अनकंडीशनल जुड़ रहे हैं। बलराम भाई आप इस दिशा में जा रहे हो, हमें पैसा सेकेंडरी हो गया, इस दिशा में हम खुद बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन अगुवाई कौन करे तो हम आगे नहीं आ रहे, ऐसी बातें निकल के आ रही है। प्लस या आपने इतना टाइम से उसको जी रहे हो, उस ऑक्सीजन पार्क को जी रहे हो, चाहे वो साल भर से या 3 साल से जी रहे हो, तो आपने उसके अंदर काफी सारे इनोवेशन सोच रखे हैं, थॉट सोच रखे हैं, ठीक है। आप उन सब थॉट्स को इम्प्लीमेंट साथ में करोगे, एक जगह पर सारी चीजें कनेक्ट रहेगी, तो वो एक सेल्फ सस्टेनेबल बनेगा, है ना। क्योंकि कोई भी चीज लाना बहुत आसान है, उसको रन करने के लिए उसका वहां से ही इनकम जनरेट होना बहुत जरूरी होता है। नहीं, इकोनॉमी को भैया इन किसी भी प्रोग्राम में नहीं टच किया तो वो चलेगी नहीं, नहीं चलेगी। अभी काकू में हरियाणा घूम के आया, अभी 4-5 दिन दिल्ली भी था मैं, तो कम से कम 6-7 गौशाला मैंने विजिट करी, एक गौशाला का मैंने वीडियो डाला है। विडंबना ऐसी है, जिस गौशाला का मैंने वीडियो डाला है उस गौशाला के जैसे मैं अंदर गया, आप उसको देखोगे ना, तो सारी दीवारें 1x1 की फोटो से भरी हुई है, दानदाताओं की फोटो है। गलत भी नहीं है फोटो लगाना, क्योंकि दान नहीं आएगा तो गौशाला नहीं चलेगी। अब विडंबना कितनी समझो आप, 7,000 गायें हैं वहां पर एक गौशाला में, ठीक, हरियाणा की झज्जर के पास में है, और उस गौशाला से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर पे ऐसी 5-7 गौशालाएं और है, और उस एक गौशाला में 7,000 गायें हैं। उसके बावजूद उस रोड पे आप बाहर निकलोगे तो रोड पे गाय माता मिलेगी, ठीक है। जब इतनी गौशालाएं हैं तो टेक केयर हो भी नहीं रहा है, और उस गौशाला का सालाना मेंटेनेंस 5 करोड़ का है, और लगभग 3-3.5 करोड़ वो दानदाताओं पर निर्भर है, ठीक है। तब कुछ मित्र जो अच्छा कमा लेते हैं उनकी भावनाएं रहती है कि मैं कुछ दान कर दूं, लेकिन अल्टीमेट वो गौशाला चल रही ना राम भरोसे, अगर थोड़ी देर के लिए उन सारे दानदाता को हटा दिया जाए तो गौशाला चल ही नहीं सकती, नहीं चल सकती। ऐसी बहुत सारी गौशालाएं नहीं चल रही है, इसीलिए गोवंश रोडों पर घूम रहा है। एक भी भैंस मेरे को दिखा दो किसी रोड पे हो है, क्योंकि वो उस अनुपात में पैसा दे रही है, तो हमें भी दिखता है कोई नहीं है तो हम उस भैंस को बांध लेते हैं घर पे, क्योंकि वहां से 2 पैसा आ रहा है। अल्टीमेट जो भी प्रोजेक्ट हो उसको अर्थ से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, ऑक्सीजन पार्क हो या गौशाला हो या हमारी एग्रीकल्चर हो,
भाई हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन काम करेंगे अगर भोजन खाने के लिए पैसा वहां से नहीं निकला, तो वो बातें रह जाएगी। तो गौशाला के लिए यही हो रहा है, बातें ही रही रही। वहाँ सीएनजी के प्रोजेक्ट हम लॉन्च कराने के लिए उनको सारा डेटा दिया है, और आप समझोगे नहीं इतना मजेदार प्रोजेक्ट है। रास्ते में वही बात हो रही थी जो गुजरात वालों ने बोला था, एक 2000 गोवंश है गुजरात में, तो उनका फोन आ गया था मेरे के, भैया 2000 गौशाला मतलब 2,00,000 रुपए रोज आपको मिलेगा पर डे का। 7000 गौशाला वालों को प्रोजेक्ट दिया है, 7,00,000 रुपए पर डे रिटर्न मिलेगा, और इसमें दूध हमने बेचा नहीं है, गोबर और इनसे गोबर सीएनजी और गोबर के बाय प्रोडक्ट है। हकीकत है, कई जगह पर हो रहा है ये, बस देखने की दृष्टि नहीं थी, हम केवल सोच रहे थे दानदाता। तो ये जो आयुर्वेदा है, नेचुरोथेरेपी है, या मैं कहूँ गुरुकुलम है, इनको अभी तक हमने जो देखा है, हमने ऐसा देखा है कि ये तो कुटिया में और आश्रम में होगा, और फ्री में कोई करेगा तो हम चले जाएंगे वहां से ले लेंगे। तो फ्री में कितने दिन कौन करेगा यार, सही है। वो नहीं होता ना। तो इसलिए हमने ऑक्सीजन पार्क बनाया कि आपके खेत में मैंने बांबू लगवा दिया, और बांबू के बाय प्रोडक्ट बना करके आपको उस 50 एकड़ से एटलीस्ट 50,00,000 रुपए साल की इनकम आ गई। ठीक, उसके बाद आपको आवश्यकता है नेचुरोथेरेपी के लिए पैसा चाहिए आपको, सेकेंडरी हो गया ना, आया तो बोनस है, और नहीं आया तो भी आप रन करोगे, उसको बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, क्योंकि आपके परिवार को भी तो नेचर के साथ जुड़ना है। सिंपल कनेक्शन, परिवार को भी जुड़ना, जिस समाज में हम लोग पैदा हुए हैं उनको भी कनेक्ट करना है, उन लोगों को भी तो कनेक्ट करना ही है ना, उनके लिए भी कुछ करना है। ऑक्सीजन पार्क का जो मॉडल हमने बनाया है, शुद्ध खेती है वो, शुद्ध खेती है। अभी जो फार्मर चाहे वो बैंबू पे कन्वर्ट हो सकता है, जो फार्मर चाहे तो वो फलदार वृक्षों पर कन्वर्ट हो सकता है। जैसे गुजरात में हम कई सारे किसानों के साथ बागायत खेती में कर रहे हैं, बांबू कम है वहां पर। गुजरात गवर्नमेंट ने भी जो लॉन्च किया वो बागायत खेती के नाम से लॉन्च किया, कि आम जाम सीताफल नींबू फलदार वृक्ष, फल ले लो, पेड़ को नहीं काटना है, पत्ता रहना चाहिए, ऑक्सीजन पत्ता ही देगा। कॉन्सेप्ट क्या है, ऑक्सीजन निर्मित। बांबू में ज्यादा स्कोप है, इजी स्कोप है, अभी साइजेबल काम बांबू में हो सकता है। एक तो मेंटेनेंस फ्री है, मेंटेनेंस आज है। दूसरे बगीचे कोई से भी, जैसे मैंने भी लगा रखा है 10 एकड़ पे लेमन लगा रखा है, 3-4 एकड़ पे एप्पल बेर लगा रखा है, ड्रैगन फ्रूट भी लगा रखा है। ड्रैगन फ्रूट हालांकि ऑर्चर्ड में नहीं आता है, पर इनमें क्या होता है मेंटेनेंस तो करते रहना पड़ता है, दवाइयां भी स्प्रे करो। बांबू एकदम लावारिस है भैया, बांबू में 5 एकड़ पे बांबू लगा रखा है, साल भर के अंदर हमने बांबू के नाम पर, अभी जरूर वो आपसे जब मिले थे, वो छटनी करने का आपने बोला दिख रहा था मुझे आज, तो छटनी करने के लिए मैंने लेबर लगे, बाकी लगाने के बाद से आज तक बेम्बू पे लेबर नहीं लगे, सब अपने आप हो रहा है, लावारिस है। और अगर इसको जैसा आप बोलते हो कि 2 साल लाड़ प्यार कर लो, हाँ, शुरुआत के 2 साल, तो अभी तो ये 2 साल के अंदर मतलब टीदरिंग प्रोसेस में ही, अभी इसके दांत ही आ रहे बच्चे के, तो अभी इसको थोड़ा सा संभालना पड़ रहा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, इसके बाद तो ये अपने को संभालेगा, ये अपने को संभालेगा, एकदम सही बात है। खाना पीना सिखा दो देखते सही है, एकदम सही है। तो ये सही करा आपने कि इसको बेम्बू से कनेक्ट किया है ऑक्सीजन पार्क। और फिर तीसरा सच ये भी है कि बरगद और पीपल के बाद सबसे ज्यादा प्रोड्यूस अगर यही ऑक्सीजन देता है तो वो बेम्बू करता है। और एक और हकीकत बताऊं, शायद आपको जानकारी होगी, जब एटॉमिक बम ब्लास्ट हुआ हिरोशिमा नागासाकी में, हाँ, तो 21 दिन में जो पहला पौधा निकल के आया वो बांस था। ये हिस्ट्री है, आप सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। तो ये ऐसा है, इसको पुराणों में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत की बूंदे इस पर गिरी हुई है, इसलिए ये एटॉमिक बम ब्लास्ट में भी 21 दिन में पहला निकल, मतलब आपने इसको एक बार लगा दिया फिर आप इससे हाथ नहीं धुला सकते, ये रहेगा आपके साथ। तो मैंने तो इतना तक भी सुना है कि जो बेम्बू है वो हमारे हिंदुस्तान से ओरिजिनेट हुआ है, यहीं से हिंदुस्तान से हुआ है, इसमें एक पुराणों में आसपास कहीं से ही हुआ है। इसमें एक पुराणों में है कि अब बांस को नहीं जला सकते, हाँ, तो वो भी एक कपूर बांस आता है, कपूर, ओके, वो हिंदुस्तान का ओरिजिनल है, ओके, उसको नहीं जलाना चाहिए, वो साइंटिफिक भी है और पुराणों के इसमें भी है कि वो पितृ दोष को कनेक्ट करता है, उससे जो खुशबू निकलती है, उसकी जो गंध निकलती है वो नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट करती है, कपूर बांस की, उससे जो गंध निकलती है वो
कैंसर को इनवाइट करती है। तो अब उसका जब प्रचार हुआ, ठीक है, जब ये फॉरेस्ट में था बांस, तो इसको एग्रीकल्चर में नहीं लेना, और पूरे हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो अभी कुछ एक दो सालों से ये न्यूज़ चली है कि बांस को नहीं जलाना चाहिए वरना कैंसर होता है। तो उसकी वजह से धूप बत्ती आई है, वरना हर घर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन अगरबत्ती सब लगाते हैं, एक ऐसा घर नहीं है जिसके यहाँ बांस नहीं जल रहा था। सब जला रहा है, तो पूरा हिंदुस्तान कैंसर ग्रसित हो जाना था। सालों से मतलब हो ही जाना था ना। सही है। मैंने देखा है बड़वानी में, मैं जब स्कूल जाता था तो बसें जो चलती है हमारे यहाँ, पहले वो कमांडर आता था जीप, बसें भी कम थी हमारे यहाँ, तो बड़वानी से तलुन वो 2 रुपए में छोड़ता था। तो जैसे ही वो व्यक्ति कमांडर की पूजा पाठ करके वो निकाल कर रोड पे खड़ा करेगा, तो वो उसकी गाड़ी को अगरबत्ती लगाएगा, बस चलाने वाला अगरबत्ती लगाएगा, किसी गांव के पास से निकला और वहां बड़ा मंदिर है तो ऐसा चलन बन जाता था कि बस रोकेगा और वहां 2 अगरबत्ती लगाएगा फिर आगे जाएगा। मतलब अगरबत्ती तो लगी रही है और बांस की लग रही है, अगरबत्ती दूसरे की बनती भी नहीं है, और अगरबत्ती जलाने से कैंसर होता है तो अभी तक पूरा भारत खत्म हो जाना था, एक चीज। और चाइना में 10 लाख हेक्टेयर में बांस लगा है, और हिंदुस्तान को चाइना और वियतनामी अगरबत्ती की काड़ी सप्लाई करते हैं। 7,000 करोड़ का इम्पोर्ट था हमारा। हाँ, तो वो अभी तक के कैंसर में खत्म हो जाना था। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने भी शोध किया, जब मैं इसमें आगे गया तो समझा, तो फिर एक निकल के आया कि कपूर बांस एक आता है इंडियन, जिससे कल्चर कपूर उसी से बनता है क्या? जो अपने कपूर उससे नहीं बनता है, वो बांस की कैटेगरी का नाम है। मैंने उसके सर्चिंग में डाल दिए है कि वो प्रजाति मिले तो मैं उसको मेरे घर पर भी लगाऊं। उसको नहीं जलाना चाहिए, बाकी ये सारे अलग बांस है, ये लकड़ी की कैटेगरी में। मैंने जो स्टडी किया उसमें ऐसा है कि वो जो कपूर बांस जो है वो लेड जो होता है वो ज्यादा लेड ऑक्साइड निकालता है ज्यादा, वही कैंसर का कारण बनता है। कैंसर का कारण, बाकी दूसरे बेम्बू इतना लेड नहीं निकालते लेड ऑक्साइड। देखो किसी भी वस्तु को जलाया तो कुछ ना कुछ तो हार्मफुल निकलेगा, ये तो पक्की बात। एक्स वाई जेड कोई भी वस्तु हो जली तो हार्मफुल निकलेगा। केवल गाय माता जो देसी गाय है वही ऑक्सीजन निकालती है उसका जो गोबर जलता है, तो बाकी तो दुनिया में किसी को भी जलाओ, आप खुद जलोगे तो भी गलत होगा। गंदा ही होगा। आइए साइड पे चलते हैं, बातें खत्म होगी।